Hello everyone and a very good morning to all. I hope you all are doing well, okay? Staying safe at your homes and focusing on your studies. So just, let me know that I'm live and all. Please guys, let me know that I'm live so that we can move. Great. So again, great, thanks. Thank you Akhil, Arma, thanks everyone. So let's start guys, again आपका आज बहुत important जो है coverage है, current affair यहाँ पे हम cover कर रहे हैं. As you all know कि 60 days का crash course है, ठीक है, जिसमें से current affair की class आपकी daily होती है. कल कुछ unavoidable आपका technical issue था, तो हम नहीं कर पाए थे. And again, सभी को बता दूँ, yes, thanks Om. बार बार ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बार बार इसको शुरू में बता देता हूँ कि आपका कंप्लीट कवरेज किया जाएगा, ठीक है ना. ऑल दोज पीटी 365 एंड ऑल, यू विल गेट 5x मोर हियर देन ऑल दोज कंपाइलेशंस. नाउ इट्स ओके, प्लीज लेट मी नो द साउंड इश्यू एंड ऑल. अभी सही आ रहा है? ऑडियो इज नॉट क्लियर. व्हाई द ऑडियो इज नॉट क्लियर? Now it should be okay. Please let me know. I am very close to the mic. बिल्कुल पास में आ गया हूँ mic के. Please let me know that the audio is clear or not. Great, great Nivedita, Shweta. Okay. And अभी हम यहाँ पे environment का current कर रहे हैं, ठीक है ना. Environment, then we will cover this economy, polity, सभी जो subject है current के, including geography, social science, सब हम यहाँ पे cover करेंगे. And let's do some questions, ठीक है. जो हम coverage कर रहे हैं उसको आप appreciate कर पाएँ, ठीक है ना. Past year में किस तरह के questions आ रहे हैं उसको आप, yeah, thank you Noor Jahan. Please try to, I mean, answer this question. Yeah, you all know that B is this answer. Yeah. ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, बट when this question was actually asked, it was very difficult. बहुत difficult इसको consider किया गया था. ठीक है, vultures से related है. मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि animals से related बहुत सारे questions आते हैं. Yeah. All of you please pay attention. ये IAS prelims में पूछा हुआ question है आपका, और इस तरह से बहुत सारे questions आते हैं. ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट ड्रग डिक्लोफिनेक. डिक्लोफिनेक जो ड्रग है उसकी वजह से इसका, ठीक है ना, इनके अंदर इशू आ रहा था वल्चर्स एंड ऑल में. इसको हम कवर करेंगे. ओके, सेकंड आपका क्वेश्चन आप करिए यहां पे, कंसीडर द फॉलोइंग्स. यहां पे एग्जांपल दिए हुए हैं. कंसीडर द फॉलोइंग्स, स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजार्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकीज, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक और आपको एग्जाम दिया है, एग्जाम्पल दिया है IAS प्रीलिम्स का. देखिए, मैंने पूरा इंक्रीज कर दिया है, जितना मैं तेज बोल सकता हूं उतना तेज बोल रहा हूं. ओके, व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर क्या होना चाहिए इसमें से? आपका क्रिटिकली अनडेंजर एनिमल कौन सा है, बता सकते हैं आप? क्रिटिकली अनडेंजर, कुछ लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं. ठीक है, फोर्थ जो डी ऑप्शन यहां पे दिख नहीं रहा है आपको, 1, 2, 3, 4 है, क्या पता वही आंसर हो. 1, 2, 3, 4 है, वो भी आंसर हो सकता है. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन बी है डी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे जो एनिमल्स एंड ऑल है, इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. स्टार टॉर्टोइज जो है इंडिया में बहुत कॉमन है. स्टार टॉर्टोइज, अगर आप एनिमल्स आपने देखे होंगे तो पढ़ा होगा. इसी तरह से मॉनिटर लिजार्ड जो है आपका, फोर क्रिटिकली अनडेंजर नहीं, आपका पिग्मी होग जो है क्रिटिकली अनडेंजर है. स्पाइडर मंकी इंडिया में होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, ठीक है ना. ये आपका उधर साउथ अमेरिकन एंड ऑल. तो मॉनिटर लिजार्ड तो आपको पता होगा, ठीक है ना, कुछ जगह पे इसको घोयरा एंड गोयरा, कई नामों से यहाँ पे इसको जाना जाता है.
ठीक है, सो द आंसर शुड बी 1, 2, 3। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इवन जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे को जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो भी हम इस तरह से कर लेंगे। सो देर हैज़ बिन अ स्टॉर्म, स्टॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, बट आई होप दैट हमारी क्लास जो है कंटिन्यू रहेगी, आई होप दिस। सो लेट्स बिगिन अगेन। अगेन दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, ओके। एंड जिस तरह से आप YouTube पे यहाँ पे अपनी क्लासेस करते हैं, Unacademy पे भी आप जुड़ सकते हैं, एक फोकस्ड वे में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस वहाँ मिलेगा आपको, लाइव वहाँ पे क्लासेस होती हैं, शेड्यूल डाउट सेशंस होते हैं, ठीक है। आपका पूरा प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस पूरी टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल इंटरव्यू प्रिपरेशन, सभी जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80 प्लस आपके टॉप एजुकेटर्स हैं जो लाइव पढ़ा रहे हैं, मेरे भी यहाँ पे कोर्स चल रहे हैं, अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, रिविजन कोर्स है। करना क्या है आपको, अपना जो प्लान है उसको चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपके लिए 1 ईयर 2 ईयर के प्लान्स हैं, ठीक है। तो 1 ईयर 2 ईयर में जो है डिफरेंस, दैट इज़ ऑफ ओनली 1 मंथ फीस, एक महीने की फ़ीस का डिफरेंस है। सो गो फॉर दिस 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। 2 ईयर का जो प्लान है इसका बेसिक प्राइस है 48,000, लेकिन जब आप लाइव आरबी कोड को यूज़ करेंगे, लाइव आरबी, तो आपको 10% डिस्काउंट होकर 43,000 पे आ जाता है, ओके। दिस इज़ ऑल। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे, वीडियोज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑल। एंड आपको कुछ भी इससे रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए, ठीक है ना, एडमिशन रिलेटेड, आप इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड रिलेटेड टू द अपडेट्स, ठीक है ना, अपडेट्स या नोट्स रिलेटेड जो भी होगा वो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कीजिए, यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। लिविंग फॉसिल आपका एक टर्म होता है, लिविंग फॉसिल या करंट अफेयर सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू रहने वाली है, 60 डेज आपका क्रैश कोर्स है, ओके। एंड प्लीज़ ट्राई टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, जितने भी आपके जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन एंड ऑल चल रहा है, ठीक है, सबकी प्रिपरेशन अफेक्ट हो रही है। तो आप अपने फ्रेंड्स से एटलीस्ट वहाँ पे उनसे शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। लिविंग फॉसिल, देखिए एक टर्म आती है, तो लिविंग फॉसिल का मैंने एग्जांपल दिया था, बता सकते हैं कौन सा एग्जांपल दिया था, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सारी क्लासेस कनेक्ट हैं। अगर किसी की कोई क्लास छूट गई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का। आपने कहा था सर सेपरेट प्लेलिस्ट बनवा दीजिए, तो हमने सेपरेट इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट करवा दी है, वहाँ से आप सारी क्लासें देख सकते हैं। लिविंग फॉसिल का मुझे एग्जांपल बताइए, लिविंग फॉसिल का एग्जांपल। लिविंग फॉसिल होता क्या है, लिविंग फॉसिल ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनमें कोई भी चेंज नहीं है, दे हैव बीन अनचेंज्ड ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। एंड इफ़ अ स्पीशीज डज नॉट कॉन्स्टेंटली हैव टू अडप्ट टू सर्वाइव, इट विल हैव वेरी लिटिल नीड टू चेंज, ठीक है ना। तो इनका जो सर्वाइवल, ठीक है ना, जो वो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड, आप बहुत ही अच्छे से रिविज़न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है लिविंग फॉसिल का, ठीक है ना, लिविंग फॉसिल का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है, दैट इज़ दिस कोलाकैंथ फिश, कोलाकैंथ, या फिर इसी को जो है, ये एक फिश है जो कि आपकी कहाँ पर मिलती है बेसिकली, ये आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशियन जो आपका कोस्ट है वहाँ पे मिलती है जनरली, एंड इसके साथ ही आपके अफ्रीकन कोस्ट, अफ्रीकन कोस्ट यहाँ पे ये मिलती है कोलाकैंथ। ये बहुत ही वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एक स्पीशीज़ है लिविंग फॉसिल की। सो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे गोल्डन लंगूर। देखिए गोल्डन लंगूर की अभी बात हुई थी, ओके, आपने देखा था, क्वेश्चन था, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं था सर गोल्डन लंगूर होता है या नहीं होता है, ओके। तो गोल्डन लंगूर जो है आपका असम के अंदर होता है बेसिकली, और असम ने अभी क्या है, एक कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। असम में भी अगर हम देखें तो ये वेस्टर्न असम जो है वहाँ पे मिलता है। इसके अलावा जो ये आपका गोल्डन लंगूर है, असम के अलावा आपका जो ब्लैक माउंटेन्स हैं, भूटान के जो ब्लैक माउंटेन्स है, ओके, नोट्स भी बनाते जाना, ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान, बस कीवर्ड लिख लेना, ठीक है ना, ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान में ये मिल रहा है। एंड गीज गोल्डन लंगूर, इसका पूरा नाम क्या है, गीज गोल्डन लंगूर, और ये क्या होता है, लीफ ईटिंग मंकी है, लीफ ईटिंग मंकी है ये, इस तरह से जो मैं ये बॉक्स बना रहा हूँ इसको बस नोट कर लेना, लीफ ईटिंग मंकी है, ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान प्लस वेस्टर्न असम में ये मिलता है। अगर हम इसके अगेन IUCN स्टेटस की बात करें तो ये क्या है, एंडेंजर्ड है,
एंडेंजर्ड है और ये क्या है आपके फ्रूट्स एंड ऑल खाता है, ठीक है ना, लीफ ईटिंग तो है ही, फ्रूट्स एंड ऑल खाता है और पॉलिनेशन इन सब चीज़ों में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका इकोसिस्टम में जो सर्विसेज हैं वो भी ये प्रोवाइड करा रहा है। अब हम बात करते हैं सिनोरस वल्चर्स। तो वल्चर्स जो भी होते हैं आपके रैप्टर्स होते हैं। रैप्टर्स क्या होते हैं, इस तरह के आपके जो बर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं वर्टिब्रेट्स को, ठीक है ना, इनको इनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स एंड ऑल इन पे। तो आपका जो हॉक होता है, ईगल जिसको कहते हैं ना आप, ईगल एंड ऑल, ये सभी किस में आते हैं, रैप्टर्स के अंदर आते हैं। ईगल्स, हॉक्स, ये सभी इसमें आते हैं। सिनरस वल्चर जो है ये आपका नियर थ्रीटंड में है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपके बेसिकली जो तीन या चार आपकी जो वल्चर्स की इस तरह की वैरायटीज हैं जो कि क्या हैं, चार आपकी जो वल्चर्स की वैरायटी हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे ये जो सिनेरस वल्चर है ये नियर थ्रेटन्ड है IUCN की रेड लिस्ट में, तो ये ध्यान रखना। अब जो क्रिटिकली एंडेंजर वल्चर्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो क्रिटिकली एंडेंजर में आपकी थ्री स्पीशीज़ हैं और इनके जो बायोलॉजिकल नेम है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वल्चर वाले केस में आपके बायोलॉजिकल नेम भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें आपका व्हाइट बैक्ड वल्चर है, जो आपको पिक्चर दिख रही है ये व्हाइट बैक्ड वल्चर की है, इसको कहा जाता है जिप्स बंगालेंसिस, ठीक है। इसी तरह से आपका लॉन्ग बिल्ड जो वल्चर है उसको जिप्स इंडिकस कहा जाता है, एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर जो है जिप्स टेन्यूरोस्ट्रिस कहा जाता है, ठीक है ना। तीनों के तीनों जो स्पीशीज़ हैं क्या हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, IUCN का जो कैटेगरी है उसमें क्रिटिकली एंडेंजर हैं। और इसका मेजर रीज़न आपको बताया था मैंने क्या है, मेजर रीज़न जो मैंने आपको बताया था दैट इज़ दिस पेन किलर डिक्लोफिनेक, ठीक है, जो कि कैटल्स में यूज़ हो रही है। पेन किलर जो डिक्लोफिनेक होती है, आप मतलब हम लोग भी यूज़ करते हैं ह्यूमंस में भी पेन किलर के रूप में, बट कैटल्स में भी ये यूज़ होती है। तो कैटल जब डेड हो जाते हैं तो उनका कैराकस होता है, जो डेड बॉडी होती है, द वल्चर्स फीड ऑन दीज कैराकसेस, एंड सिंस द वल्चर सिस्टम आर नॉट, आई मीन द वल्चर की जो किडनी होती है वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, इसलिए इनकी क्या हो जाती है, डेथ, अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है, गाउट लाइक सिम्टम्स एंड ऑल। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस इंडिया है, ठीक है ना। और ये आपका क्या करता है, स्कैवेंजर है, स्कैवेंजिंग करता है। और ये फूड चेन में कहाँ पे सिचुएटेड है, फूड चेन में कहाँ पे ये सिचुएटेड है आपका, फूड चेन में बता सकते हैं इसका कौन सा प्लेस है, इसमें जो नोट्स बनाने हैं उसमें की पॉइंट्स आप बना लीजिए, की पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिए, फिर आप उनको पढ़िए, कुछ होता है तो वीडियो को दोबारा आप चला सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी क्लास की तरह है और इसमें बहुत एनरिच्ड होता है कंटेंट, जैसे आपकी क्लास होती है ऑफलाइन में, उसी तरह से ये आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, जो कि अनअकैडमी यहाँ पे एज ए फेवर जो है प्रोवाइड करा रहा है आपको 60 डेज़ का क्रैश कोर्स। इसके अलावा बात हो रही है, ठीक है ना, डिक्लाइन इन वल्चर पॉपुलेशन हैज एसोसिएटेड विद डिजीज रिस्क इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ स्प्रेड ऑफ रेबीज, एंथ्रेक्स एंड ऑल, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके पारसी कम्युनिटी है उनके लास्ट राइट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, जो पारसी कम्युनिटीज़ में आपका जो लास्ट राइट्स होते हैं, ठीक है ना, अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि डेड बॉडी को इस तरह से प्लेस कर देते हैं और उनको फीड करने के लिए, बर्ड्स एंड ऑल को फीड करने के लिए छोड़ दी जाती है। तो जब वल्चर ही नहीं रहेंगे तो फिर फीड कौन करेगा। ठीक है, यस, वेरी गुड। डीकम्पोजर, डीकम्पोजर नहीं होगा ये, ठीक है ना, स्कैवेंजर है, डीकम्पोज तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। नाउ यू हैव दिस NGT, एंड NGT हैज़ बीन अ वेरी पॉपुलर टॉपिक एज फार एज द UPSC इज कंसर्न्ड। UPSC का बहुत फेवरेट टॉपिक है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक डायरेक्शन दिया है आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन का आप एक मैप क्रिएट कीजिए, ठीक है ना, कौन से जो हैं इसके हॉट स्पॉट हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन के हॉट स्पॉट्स कहाँ पे हैं, और उसके जो रिमेडियल मेजर्स हैं क्या हम कर सकते हैं, तो ये आप एक बताइए। तो जहाँ तक लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं जो कि अभी नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 ऑफ दिस एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट इंक्लूड्स नॉइज पॉल्यूशन। तो सेक्शन 2 आपको भले ही ध्यान नहीं रहे, ठीक है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 2 ध्यान नहीं रहे तो, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो एयर पॉल्यूशन एक्ट है, ठीक है ना, 1981 का जो एयर पॉल्यूशन एक्ट है, 1981 का जो एयर पॉल्यूशन एक्ट है, ये आपका नॉइज पॉल्यूशन को भी इंक्लूड कर रहा है। दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, चाहे सेक्शन 2 आपको ध्यान नहीं रहे। And also noise pollution control rules were framed in the 2000 under the amendment updated in Environment Protection Act. तो ये दोनों जो हैं, Environment Protection Act
This is the second one. First one is this Air Prevention and Control of Pollution Act. दोनों क्या कर रहे हैं आपके नॉइस पॉल्यूशन को इंक्लूड करते हैं. देखिए नॉइस पॉल्यूशन में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल आपका जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है, नॉर्मल जो कन्वर्सेशन करते हैं उसकी जो लाउडनेस होती है वो 40 टू 50 डेसिबल होती है. डेसिबल क्या है, एक यूनिट है मीज़र करने की, ठीक है ना, जो लाउडनेस होती है, ठीक है ना, साउंड की लाउडनेस होती है उसको मीज़र करने का एक यूनिट है. जैसे हम सेंटीमीटर में लेंथ को मीज़र करते हैं उसी तरह से डेसिबल में लाउडनेस को मीज़र किया जाता है. तो यहाँ पे नॉर्मल कन्वर्सेशन 40-50 डेसिबल का होता है, ठीक है, 40-50 आपका डेसिबल का होता है. लेकिन जब हम 50 डेसिबल से आपका 60 डेसिबल जाते हैं, दैट इज़ दिस हैवी ट्रैफिक एंड ऑल, ठीक है ना, हैवी ट्रैफिक एंड ऑल, तो ये जो लाउडनेस है वो कितना 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि 10 डेसिबल है, फिर आपका है 20 डेसिबल, ठीक है, फिर आपका है 30 डेसिबल. यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, तो इनमें जो डिफरेंस है वो कितना है. मान लीजिए 10 डेसिबल में 10 है तो 20 डेसिबल में अराउंड ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना. तो ये जो इंक्रीज़ हो रहा है 10 टाइम्स इंक्रीज़ होता है ऊपर जाने पे, ठीक है, 50 से 60 जा रहे हैं तो 10 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. एंड रॉकेट इंजन एंड ऑल ये 100+ है, और ये सभी क्या है, हेल्थ हजार्ड्स क्रिएट करती है हमारे लिए मेंटली एंड ऑल. अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को देख लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्यों मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ, बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार, ठीक है ना, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एनजीटी से. एनजीटी क्या है, आपका एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना. स्टेट्यूटरी बॉडी मतलब किसी एक्ट के उसमें इसको बनाया गया है. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट था 2010, उसके अंडर में इसको क्रिएट किया गया था. और इसका बेसिक पर्पस क्या है कि जितने भी केसेस होते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, उन केसेस का फास्ट ट्रैक डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. अब इसका जो मेंबर स्ट्रक्चर है उसमें क्या होगा, आपके चेयरपर्सन होते हैं, कुछ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं. तीन तरह के यहाँ पे हैं, चेयरपर्सन होंगे, एक्सपर्ट मेंबर होंगे, जुडिशियल मेंबर होंगे. एंड इनका जो ऑफिस टर्म होगा, दैट they hold the office for the 5 years and are not eligible for reappointment. Chairperson is appointed by the central government in consultation with Chief Justice of India. ठीक है, ये consultation with Chief Justice of India ये important fact है. And being a statutory adjudicatory body, statutory मतलब किसी act से, जो कि 2010 National Green Tribunal Act है उसके under में बनाया, इसलिए ये statutory हो गई, वैधानिक निकाय जिसको कहेंगे. सो दिस इज़ अ स्टेट्यूटरी एडजुडिकेटरी बॉडी. मीन्स एडजुडिकेटरी मतलब यहाँ पे ये जो जस्टिस है, जस्टिस मतलब केसेज हैं वहाँ पे ये एक तरह का एडजुडिकेशन कर रहा है, मतलब जो नेचुरल जस्टिस है उसके प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपके जो केसेस हैं उनको डिस्पोज कर रहा है, डिस्पोजल ऑफ केसेस. तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. स्टेट्यूटरी बॉडी है, एडजुडिकेटरी बॉडी लाइक द कोर्ट्स एंड अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब डायरेक्ट यहाँ पे एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई केस है तो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे अपील के थ्रू भी आ सकता है, तो अपीलिटी ज्यूरिसडिक्शन भी है इसका. एंड ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो कोड्स होते हैं उसको फॉलो करेगा, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ठीक है ना. इसके अलावा हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज सतकोशिया टाइगर रिजर्व. यस गाइस, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, आपको ध्यान होगा टाइगर रिजर्व भी आपके इंपॉर्टेंट है. नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट होती है. तो यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अराउंड इंडिया में अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो अराउंड 50 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में ऑलरेडी हैं. और ये आपका कहाँ से पूरा इसका स्टार्टिंग हो रही है, आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर है, आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है इनिशिएटिव था कि टाइगर्स को हमें कंजर्व करना है, बचाना है. ये 1973 में स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है ना. और इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी थी, ठीक है. प्रोजेक्ट टाइगर का क्या इंपॉर्टेंस रहा कि प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से जो टाइगर को हम कंजर्व करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सक्सेसफुल रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि 2006 में आपका टाइगर पॉपुलेशन कितना था और अभी कितना है, चलिए अभी तो बता दीजिए आप अराउंड 2020 या 2019 में, अभी टाइगर पॉपुलेशन कितना है बता सकते हैं आप?
टाइगर पॉपुलेशन अभी कितना होगा? 2006 में आपका जो टाइगर पॉपुलेशन था दैट वाज अराउंड 1400, ठीक है ना? अभी कितना है, कुछ आइडिया है आपको कि क्या जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा? सो दिस इज अराउंड 3000, 2900, या एक्यूरेट 2900 प्लस 2967, बहुत ही एक्यूरेट फिगर आपने दे दिया है. सो यू ऑल नो, वेरी गुड वेरी गुड, या वेरी गुड. ठीक है, तो अब जो आपका सतकोशिया टाइगर रिजर्व है ये क्यों न्यूज़ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स को यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए जो है एक तरह से गार्ड किया जा रहा है, और इसी तरह से आपका जो सतकोशिया है ये कहाँ पे सिचुएटेड है आपका, ये ध्यान रखना है, उड़ीसा में, ओवर द रिवर महानदी. तो ये लोकेशन जो है दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंड दिस एरिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ महानदी एलिफेंट रिजर्व. नाउ वी हैव दिस नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया. ठीक है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया क्या है? ये आपके जो मिशन है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में आपके 8 मिशन हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द 8 मिशंस. तो डेफिनेटली इसका जो पर्पस है वो क्या है कि किस तरह से हम जो है इंडिया को ग्रीन बना सकते हैं, मतलब एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है. सो इट इज़ अराउंड 7 billion एनवायरमेंटल इंटरवेंशन जो है लेड आउट किया गया था, एंड द मिशन एम्स टू प्रोटेक्ट रिस्टोर एनहांसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर. जो फॉरेस्ट कवर मैंने कल बात की थी, आपकी जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, आई होप आपको पता होगा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, याद है आपको, बांदीपुर कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है. स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात की थी, तो उस रिपोर्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा था, वो वाकई में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ग्रीन इंडिया का जो मिशन है, इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए रेस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है. ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज से हम अच्छे से लड़ सकें इसके लिए यहाँ पे एफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं आपके, ठीक है ना, ट्रीज़ होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन सिंक हैं, एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इनको भी एक तरह का नेचुरल कार्बन सिंक कहा जाता है. नेचुरल कार्बन सिंक इनको कहा जाता है. क्या होते हैं नेचुरल कार्बन सिंक, जो कि कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो आपके ओशंस जो हैं ये भी नेचुरल कार्बन सिंक हैं, ट्रीज हैं, नेचुरल कार्बन सिंक है. ठीक है, तो ये एक तरह का मिटिगेशन मेजर है कि जो क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है आपका CO2 एंड ऑल, तो ये ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, अच्छा इफेक्ट रहेगा. एंड बिसाइज द एफर्ट्स एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट्री कवर ऑन अनदर 5 million हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, द मिशन इज ऑल्सो प्लांट विथ इम्प्रूविंग फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड. तो ये भी एक इस मिशन का कंपोनेंट है, फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड को इम्प्रूव करना. क्योंकि क्या होगा, फॉरेस्ट बेस्ड लिवलीहुड इम्प्रूव होगी तो लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेस्ट को, क्योंकि यहाँ से इनकी लिवलीहुड आ रही है, मतलब इनको यहाँ से पैसा मिल रहा है, तो वो फॉरेस्ट का अपने आप प्रोटेक्शन हो जाएगा. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इसमें 8 मिशंस हैं. 8 मिशंस को एक बार आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे 8 मिशंस एक जगह आ जाएंगे. तो सोलर मिशन है डेफिनेटली, तो सोलर मिशन में सोलर एनर्जी की बात हो रही है. मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, तो इसके अंदर आपका जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको एनहांस करने की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल आपकी लाइटिंग है, ठीक है ना, आपकी LED लाइटिंग एंड ऑल, किस तरह से हम एनर्जी को एफिशिएंसी कर सकते हैं. ठीक है, मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट है, तो यहाँ पे सस्टेनेबल हैबिटेट्स आपकी जो सिटीज़ हैं उनको कैसे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं. आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड तमिलनाडु का एक इंटरवेंशन था जो करंट अफेयर में था, वो इंपॉर्टेंट था, मैंने करवाया था. तो ये ध्यान रखना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो जितनी भी सिटीज़ हैं उनको सस्टेनेबल बनाना. वाटर मिशन है, तो यहाँ पे जो आपका वाटर अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा उसको इंक्रीज़ करना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराना एंड ऑल. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या होगा, आपकी जितनी भी जो प्रैक्टिसें हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ऑल. ठीक है, किस तरह से हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना सकते हैं, ये आ जाएगा. नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज है, ठीक है. इसके अलावा आपका हिमालयन इकोसिस्टम है, जो कि हिमालयास पे आपका फोकस करेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव दिस ग्रीन इंडिया मिशन, जो कि अभी न्यूज़ में है लेटेस्ट. तो ग्रीन इंडिया मिशन को हम कर चुके हैं. नाउ वी हैव दिस रिवाइविंग प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन. तो ये कॉमन्स जो है वर्ड किस लिए यूज होता है, देखिए कॉमन्स जो वर्ड यूज़ हो रहा है आपका जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक व्हाट, लैंड, वाटर, बायोडाइवर्सिटी एटसेट्रा, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं जो सभी को बिलोंग करते हैं, विच बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीबॉडी ऑन दिस अर्थ. ठीक है, किसी के, हम कहते हैं ना किसी एक की वो नहीं है,
मतलब किसी एक का यहाँ पे अधिकार नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो एयर है उस पर किसी एक का इंडिविजुअल का अधिकार हो गया, वाटर है एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब आपकी जो वाइल्ड लाइफ एंड ऑल है, तो इनको कहा जाता है कॉमन्स। क्यों? क्योंकि ये जो आपका है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ग्लोबल पब्लिक गुड के लिए यूज़ किए जाते रहे हैं, ठीक है ना, और इनको मैनेज किया जा रहा है। किसके द्वारा मैनेज कौन कर रहा है इनको? लार्जली मैनेज बाय द कम्युनिटीज देमसेल्व्स फॉर सेंचुरीज। कम्युनिटीज़ जो हैं वहाँ पे, लोकल कम्युनिटीज़ एंड ऑल, वहीं इनको मैनेज कर रही हैं। तो ये जो कॉमन्स यूज़ हो रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन, ये जो टर्म है इसको ध्यान रख लेना किस कंटेक्स्ट में ये यूज़ हो रही है। अब एक आपकी रिपोर्ट आ जाती है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये कौन पब्लिश कर रहा है? एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इंडिया वॉज द फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, ठीक है, इंडिया वॉज द फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन 2019, अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। 2/3 ऑफ मोस्ट, यानी कि जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की लिस्ट है उसमें से 2/3 सिटीज़ हैं वो इंडिया की हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और रैंकिंग किस बेस पे आपकी बनाई जा रही है? पीएम 2.5 लेवल। पीएम क्या होता है? करवाया था मैंने आपको, पीएम आपका क्या होगा? या ग्रीन अर्बन मोबिलिटी, सही बताया आपने श्वेता, वेरी गुड आंसर। पीएम क्या होता है? पर्टिकुलेट मैटर होता है, क्या होते हैं ये मैंने बताया था, 2.5 क्या होता है, पीएम 10 क्या होता है एंड ऑल। ये मेजर पॉल्यूटेंट है, वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और इसके सोर्सेज भी मैंने बताए थे, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, नेचुरल सोर्स क्या हैं इसके, आर्टिफिशियल सोर्स क्या है, इंडस्ट्रियल एंड ऑल, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अंदर जो परमिसिबल लिमिट्स हैं, ठीक है ना, जो इंडिया में जो परमिसिबल लिमिट्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, तो पीएम की जो परमिसिबल लिमिट है, एट इज दिस इज 40 माइक्रोग्राम, दिस इज द 40 माइक्रोग्राम पर आई मीन मीटर क्यूब, दिस इज व्हाट, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये जो फैक्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो इंडिया की लिमिट है दैट इज दिस 40, एंड जो WHO ने रिकमेंड किया है ये है 10 माइक्रोग्राम दिस। तो देखिए जो डिफरेंस है परमिसिएबल लिमिट में, जो डिफरेंस है, WHO कह रहा है कि आपको 10 ही रखना है, और इंडिया आपका जो परमिसिएबल लिमिट है दैट इज़ इन इंडियाज़ नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, वो कितना है? 40 है। लेकिन ये 40 भी आप ब्रीच कर जा रहे हैं, तो ये बहुत ही एक सीरियस इशू है जिसको डील करने की यहाँ पर ज़रूरत है। एंड नाउ वी हैव दिस न्यूज़ दैट आपका जो रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, आई होप आपको पता होगा रामसर वेटलैंड जो साइट्स हैं, रामसर एक ईरान के अंदर सिटी है, वहाँ पे ये कन्वेंशन हुई थी। इसमें जितनी भी वेटलैंड्स होती है, वेटलैंड्स पता है ना आपको क्या होती हैं? वेटलैंड्स आपकी रिवर्स होती हैं, वो भी वेटलैंड्स हैं, ठीक है। आपके पैडी फील्ड्स होते हैं, पैडी फील्ड्स मतलब राइस फील्ड्स, जिनके अंदर जो कि वाटर में सबमर्ज रहते हैं, सबमर्ज्ड, ठीक है, बैक वाटर्स होते हैं, आपकी लगूनस होती हैं, रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, ये सभी क्या होती हैं? वेटलैंड्स होती हैं। तो यहाँ पे आपका कंफ्यूज मत हो जाना। एंड यहाँ पे क्या है, आपकी इनिशियली 27 साइट्स थी, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, तो इनको याद कर लेना आप, तो थोड़ा एडवांटेज रहता है, कॉन्फिडेंस सा रहता है कि हाँ यार मुझे रामसर साइट्स याद हैं, हाँ यार ये इंपॉर्टेंट जो है टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के, और मेरे को ध्यान है कि कौन सा कहाँ है जितने भी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स है। तो इससे क्या आपका कॉन्फिडेंस रहता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और एग्जाम में वो रिफ्लेक्ट होता है, आपके कम से कम नहीं तो 5-10 क्वेश्चन सही ही करके ले जाओगे आप उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे, ठीक है ना। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है अलग अलग तरीके से। 10 मोर वेटलैंड साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं, तो अभी आपका जो है 27 है प्लस 10 यहाँ पे किया गया है, तो महाराष्ट्र को फर्स्ट रामसर साइट यहाँ मिली है। देख लेते हैं कौन सी जो नई नई है, ठीक है, जनवरी में ये अभी डिक्लेयर किया गया था, आई होप पता होगा आपको, न्यूज़पेपर में भी थी। तो महाराष्ट्र का जो नंदूर महामहेश्वर, ओके, नंदूर मधामेश्वर, ओके, मधामेश्वर है ये, नंदूर जो है मधामेश्वर, ये यहाँ की क्या है? फर्स्ट रामसर साइट है, महाराष्ट्र में पहली रामसर साइट ये है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो नंदूर जो एग्जाम्पल है ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। एंड इसके अलावा हम बात करें तो जो नई साइट्स हैं, ठीक है ना, नई साइट्स हैं, तो इसको मैप से देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ठीक है। तो अगर हम मैप से देख रहे हैं तो एक तो मैंने बता दिया आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके अलावा जो तीन आपकी हैं, वो पंजाब में हैं,
और पंजाब में मैं बता दूं ऑलरेडी पहले से ही भी रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, उनको देखेंगे एक बार। तो आपको ध्यान रखना है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केशवपुर वेटलैंड है जिसको गुरदासपुर बर्ड सेंचुरी कहते हैं, और ब्यास वेटलैंड साइट है, ठीक है ना। तो ये तीन जो हैं ये पंजाब में डिक्लेयर की गई हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी हैं एक्सेप्ट वन, जितनी भी हैं ये आपके सारी बर्ड सेंचुरीज हैं। ओके, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, सांदी बर्ड सेंचुरी है आपका, समसपुर बर्ड सेंचुरी है, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी एंड सरसाई नवार झील, ठीक है। तो ये आपके 10 जो है नए एडिशन है, न्यू एडिशन है, कर लेना इनको एक बार, ध्यान रख लेना क्योंकि ये आपको एडवांटेज देगा। या स्टेगनेंट वाटर विथ वेजिटेशन, नॉट नेसेसरली, आपका जो कंडीशन होती है वेटलैंड के लिए वो है कि वो कुछ एटलीस्ट 2 मंथ के लिए वहाँ पे वाटर में सबमर्ज रहना चाहिए, इस तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं। ओके, उसमें नेचुरल वेटलैंड भी होती हैं, नेचुरल वेटलैंड भी होती हैं और आर्टिफिशियल भी होती हैं, आर्टिफिशियल भी होती हैं, नेचुरल भी होती हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज यू कैन, जितना आप कर सकते हैं इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचें। दिस इज़ अ काइंड ऑफ हेल्प यू कैन प्रोवाइड ऑल दीज एस्पिरेंट्स, ठीक है, इन दिस टाइम ऑफ लॉकडाउन, कोरोना वायरस लॉकडाउन का टाइम है। एंड प्लीज़ स्टे सेफ, अपने घरों पे रहिए, सेफ रहिए। एंड अगर आप घर से तैयारी करना चाहते हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, ओके, IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 80+ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लाइव क्लासेज लेते हैं, और यहाँ पे आपका प्रिलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, ओके, टेस्ट सीरीज सभी जो है, टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, सभी यहाँ पे एक ही उसमें, एक ही पैकेज के अंदर आपका इंक्लूड हो जाता है। जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं सभी 80+ एजुकेटर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, उनके कोर्सेज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोरोना वायरस एंड ऑल की वजह से आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आपके कोचिंग्स एंड ऑल बंद हैं, आपको तैयारी करनी है, देन गो फॉर दिस प्लेटफॉर्म। अभी मिनिस्टर ऑफ, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा था ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का आप यूज़ कीजिए, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, ठीक है, आपकी क्लास मिस हो गई, आपने रिकॉर्डिंग्स देख ली, ठीक है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपनी क्लास देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, टाइम का कितना ज़्यादा आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पे आपको एक ही जगह क्लास के साथ में नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे हैं, आपको कोई टीचर पसंद नहीं आ रहा, यू कैन गो फॉर द, आई मीन अनदर टीचर, बहुत सारे आपके पास अराउंड 10+ फैकल्टी हैं एक ही सब्जेक्ट पे। ऑफलाइन में क्या होगा, टीचर पसंद नहीं आ रहा कहेंगे कि आप इंस्टीट्यूट ही चेंज कर लो एंड ऑल, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड यूज़ दिस कोड लाइव RB, LIVERB आपको यूज़ करना है टू गेट द 10% डिस्काउंट, इमीडिएट 10% डिस्काउंट हो जाएगा। कोई आपको क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो शुरू में मैंने नंबर शेयर किया था, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं।